जनाब मैं अदालत के सामने ये 15 गूगल लिंक, 3 यूट्यूब वीडियोस और एक टेस्टिमोनियल का प्रिंटआउट रखना चाहूंगी। ये क्या है? और इससे क्या प्रूफ करना चाहती हैं आप? यही प्रूफ करना चाहती हूँ जनाब कि तोता बोलना नहीं सीखता, सिर्फ नकल करना सीखता है। अरे नकल करना सीखता है क्या? हेम दत्ता जी को गाली तो देता है ना? हाँ, अरे हाँ, बिल्कुल देता है। ये इंसान अपनी चाची को गंदी गंदी गालियां देता है जनाब। आप अपने ही क्लाइंट को दोषी ठहरा रही हैं। जी जनाब, पर पीठ पीछे गाली देने का। क्या तूने कभी अपनी चाची को मुंह पे बुलाया? ना ना, मुंह पे नहीं, चाची है, संस्कारी है। जनाब मेरा क्लाइंट अपनी चाची को पीठ पीछे गंदी गंदी गालियां देता था, तोते ने सुन सुन के सीख ली। इसमें इसकी क्या गलती है? क्या अपने रिश्तेदारों को पीठ पीछे गाली देना भी जुर्म है? जनाब अपने बड़े बुजुर्गों को मुंह पे गाली देना हमारे संस्कारों के खिलाफ है, इसलिए हम सब पीठ पीछे खुल के देते हैं। कौन गाली नहीं देता है? क्या एम्प्लॉई अपने बॉस को, स्टूडेंट अपनी टीचर को, बहू अपनी सास को, पीपी साहब आपको? व्हाट व्हाट? नो 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 नो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इम्पॉसिबल। देते हैं जनाब। अरे बाय गॉड की कसम, मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। क्या बात करते तुम? सिट डाउन पीपी साहब। इसमें कुछ पीपी साहब, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप बुरा मत मानिए, क्योंकि गाली जब तक पब्लिकली ना दी जाए ना, सुप्रीम कोर्ट भी कंटेम्प्ट नहीं मानता, तो फिर हम कौन होते हैं? प्रोसिक्यूशन जी, प्रोसिक्यूशन थोड़ा सा टाइम मांगता है। पीपी साहब आप एडजस्टमेंट मांग रहे हैं? ना ना ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट बस। लेकिन उसी को एडजस्टमेंट कहते हैं जी। सॉरी, प्रेपरेशन तो हुई है, क्या बात है सुजाता? आप लोगों की माता, मजा आ गया दीदी।